बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ अज़द और एनेक्स किचन में आपको कहेंगे खुशामदीद। और एनेक्स किचन में आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही यमी और मज़ेदार सी रेसिपी है, और हाईवेज पे अक्सर जाके जो है हम लोग खाते हैं, और यकीनन आप लोग भी खाते होंगे। और आज मैं उसको बनाना बता रहा हूँ घर में। जनाब, काबुली पुलाव क्या कुछ चाहिए, किस तरह से बनेगा, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए वापस आके, और फिर मैं इसका प्रोसीजर स्टार्ट करता हूँ। प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो गाजर है उसको हमने बॉयल होने के लिए रखना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पैन मौजूद है, और पैन में हम ऐड करेंगे पानी। बस इतना पानी ले लीजिए कि जिसमें गाजर जो है वो हमारे स्टीम हो जाए। यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चीनी, ठीक है, ताकि गाजर जो है वो थोड़ी सी हम उसको स्टीम कर लें। कवर कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास गाजर जो है वो डन हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसका मसाला पीस लेंगे, ठीक है। मसाले के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर स्पाइस ग्राइंडर मौजूद है। स्पाइस ग्राइंडर में मैं शामिल कर रहा हूँ बड़ी इलायची, ठीक है। बड़ी इलायची के साथ ही हम डाल देंगे इसमें छोटी हरी इलायची, काली मिर्च, काला और सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, और अब इसको हम पीस लेंगे। मसाला हमारे पास बिल्कुल पिस चुका है, बेहतरीन सा मसाला हमारे पास पिस चुका है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, साथ ही जो गाजर हमारे पास स्टीम हो रही है उसको ज़रा अप एंड डाउन कर देते हैं, ताकि अच्छे से ये स्टीम हो जाए, ठीक है। चीनी और पानी के साथ गाजर को हम स्टीम करें, और बस पानी इसी में हमने ड्राई कर लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हम ऑन कर लेंगे, और मैं ऑन कर रहा हूँ इसको तकरीबन मार्क फोर पर हमने ऑन किया। और अब इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल, ठीक है जी। ऑयल हमने शामिल कर लिया है, ऑयल को थोड़ा सा हीट अप होने देंगे, और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे गोश्त। ऑयल हमारे पास गर्म होना शुरू हो गया है, और इसमें मैं डाल रहा हूँ ये गोश्त, ठीक है। सिंपल हमने सिर्फ और सिर्फ अभी हमने गोश्त लिया है, और गोश्त के साथ ही अब मैं ये जो हमने मसाला है ये हम डालेंगे, और आधा मसाला इस वक्त डालेंगे, आधा मसाला हम दम पर डालेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, आधा मसाला हमने अभी ले लिया है, और आधा हम लेंगे दम पर, दम जब हम देंगे उस वक्त। चलिए, अब मैंने हीट ऑन कर दी है, साथ ही इसमें मैं डालूँगा नमक, और थोड़ा बाद में हम डालेंगे, क्योंकि गोश्त हमारे पास बॉयल है, तो बस इसको हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। गोश्त हमारे पास फ्राई हो चुका है, और आप देख रहे हैं बेहतरीन सा गोश्त को हमने फ्राई कर लिया है, और अब इसको हम निकाल लेंगे। गाजर के फ्लेम को ऑफ कर रहे हैं, और अब गाजर जो है उसको हम निकाल लेंगे, और इसको फ्राइंग के लिए डाल देंगे। अब उसी ऑयल में गाजर को बस थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गाजर को हमने फ्राई कर लिया है, और अब इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है, और थोड़ी गाजर इसमें रहने देंगे। चलिए, और चावल से पहले मैं इसमें डाल रहा हूँ यखनी, सोख किए हुए चावल डाल देंगे। इस स्टेज पर अब हम चावल में डाल देंगे नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ठीक है। उसको आप चख लीजिएगा, और उस हिसाब से नमक आप इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें जो मसाला हमने पीसा था, अगेन थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड कर देंगे इस स्टेज पे, और बाकी थोड़ा सा मैं रोकूंगा दम के वक्त डालने के लिए। और साथ ही अब मैं इसमें डाल दूंगा किशमिश, अच्छे से इसको आप मिक्सअप कर दीजिए। चावल जब हमारे पास अच्छे से डन हो जाएंगे, उबल जाएंगे, फिर इसको हम दम पर रखेंगे। पुलाव आप देख रहे हैं, पानी जो है चावल जो है गल चुके हैं, ठीक है। एक कसर बाकी है, पानी हमारे पास खुश्क हो गया है, यखनी जो हमने डाली थी। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे ये तमाम की तमाम बोटियाँ जो हमने पहले फ्राई कर ली थी। उसके बाद ही हम डाल देंगे इस पर गाजर, और उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा जो हमने मसाला रोका था, ये मसाला हम डाल देंगे। अब मैं फ्लेम को, इसके हीट को बिल्कुल स्लो कर दूंगा, ताकि हम इसको दम पर रख दें। देख रहे हैं आप कलर कितना खूबसूरत आया है हमारे काबुली पुलाव का। और अब इसको हम कर देंगे कवर। काबुली पुलाव हमारे पास तैयार है, और दम पर जा चुका है। कम से कम 8 से 10 मिनट दम देंगे, और उसके बाद डिश आउट करेंगे।
और जनाब यहाँ पर हमारे पास काबली पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है और अब इसको हम डिश आउट करेंगे। काबली पुलाव हमारे पास तैयार है और आपने देखा कि बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन सिर्फ क्या है, थोड़े से स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आपका बिल्कुल परफेक्ट काबली पुलाव बनेगा। तो मुझे उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की तो कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला अगेन आपसे होगी मुलाकात किसी और नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।